सुपेला थाना पुलिस ने राधिका नगर एकता पार्क के पास आरोपी आशीष दुबे को पकड़कर उसके कब्जे से 15 ग्राम ब्राउन शुगर पुड़िया बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ NDPA एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव, CSP भिलाई नगर निखिल राखेचा के मार्गदर्शन में सुपेला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस को राधिका नगर एकता पार्क के पास एक युवक द्वारा नशीला पदार्थ बेचने की जानकारी मिली। मौके पर सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा द्वारा तत्काल स्टाफ को भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी आशीष दुबे के पास से पुलिस ने 15 नग ब्राउन शुगर की पुड़िया को बरामद किया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये बताई गई है। इस पूरी कार्रवाई में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक लकेश गंगेश, आरक्षक मोहम्मद जुनैद सिद्दीकी, विवेक सिंह, विकास तिवारी, अभय सिंह का विशेष योगदान रहा। मेरी थी कि राधिका नगर एकता पार्क के आसपास में एक लड़का है आशीष दुबे नाम का, वो किसी तरह का ड्रग सप्लाई कर रहा है ब्राउन शुगर जैसा और लोगों को ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर पुलिस कई दिनों से निगाह रखी हुई थी। कल दिनांक को पुलिस को पुख्ता सबूत के साथ में हमने आरोपी आशीष दुबे को गिरफ्तार किया है। आशीष दुबे के पास से कुल 15 नग पुड़िया ब्राउन शुगर का, जो कि कुल वजनी 1.5 ग्राम का है, कीमती करीब 1 लाख के आसपास का है, को बरामद कर लिया है। और बरामद करने के उपरांत पे आरोपी के विरुद्ध NDPS के एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।